चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं मार्केट में क्या क्या हो रहा है। आज मार्केट के ऊपर खुलने के बहुत आसार हैं, राइट? ऊपर खुलने के बहुत आसार हैं। अब कहां पर मार्केट खुलेगा देखते हैं। अभी 280 पे चल रहा है, ठीक है? कितना निफ्टी चल रहा है? 22,285। अगर मैं निफ्टी लगाता हूं यहां से तो निफ्टी चल रहा है 22,285। जरा इसको देखते हैं कहां खुलेगा। आज बहुत ऊपर ही खुलने के चांस ही थे, पहले ही पता था तो, ठीक है? 22,285 आपके पास कहां पर आ रहा है, और 285 आपके पास अप्रोक्सीमेटली यहां कहीं है, राइट है? अप्रोक्स। तो एक गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलेगा। दो कॉलम ने लेके रखी हुई है ऑलरेडी, ये देखो दो कॉलम ने लेके रखी हुई है। तो जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा उसको बुक कर लेंगे और थोड़ा काम करेंगे, ठीक है? लास्ट टाइम हमने किस पर काम, हाँ जी बोले। सर, जैसे मार्केट गैप अप खुल रहा है तो काफी चांस होंगे कि वो नीचे भी आएगा, रिट्रेस होगा और फिर ऊपर अगर जाना होगा तो जाएगा, अदरवाइज डायरेक्ट तो जा नहीं सकता है ऊपर, बिल्कुल राइट? नहीं, लेवल जो होगा वो कल का हाई होगा या क्लाउड के बेसिस पे भी निकालना पड़ेगा? जरूरत नहीं है क्लाउड के बेसिस पर लिखाने की। क्लाउड ऑलरेडी बाय में है, आप देखो दोनों में बाय में है। क्लाउड में तो राइट, दोनों में बाय में बैठा हुआ है, तो आपको क्लाउड का अलग से लेवल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो सपोर्ट लेवल है ये वाला है, कल का राइट हाई, है? कल का हाई यही सपोर्ट बनेगा, क्योंकि इसके नीचे का कोई सपोर्ट एकदम से हमारे पास नहीं है। फिर ही मल्टीपल सपोर्ट ये वाला है, और इतना नीचे मार्केट मुश्किल ही आएगा, राइट है? ओके सर। अगर मार्केट को जाना होता तो कल ही नीचे चला जाता कि नहीं? मार्केट के पास बहुत अच्छा ऑप्शन था, आप बताओ, राइट है? तो बहुत मुश्किल काम है कि मार्केट नीचे आएगा। हाँ ये जरूर है कि मार्केट हो सकता है, मेरे को जहां तक मेरी अपनी पॉसिबिलिटी बोलती है कि मार्केट नीचे भी नहीं आएगा आज, ये खुलते ही शायद ऊपर चलना शुरू कर दे, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। अभी देखते हैं क्या होगा, अभी तो है टाइम हमारे पास। अभी 9:07 हो रहे हैं, 290 पे मार्केट है, और 290 कहां पर है? अप्रोक्सीमेटली 290 आपका यहां कहीं आ रहा है ऊपर, राइट है? तो मार्केट गैप अप खुल रहा है, लेकिन देखो इतना बड़ा गैप अप नहीं है। समझो एक बात को, समझो मार्केट का फ्लैट खुलना या मार्केट का जरा सा ऊपर खुलना बहुत ज्यादा मतलब रिट्रेसमेंट का रीजन नहीं बनता, राइट है? देखो मार्केट यहां पर था, इस जगह पर था, यहां से अगर मैं बोलता हूं 290 पे लगा लीजिए, तो 290 आपका यहां आ रहा है, यहां कहीं, तो अराउंड 70 पॉइंट का गैप अप है। बहुत बड़ा गैप अप नहीं है कि मार्केट बहुत बड़ा रिट्रेस करेगा। मार्केट का अगर 200 पॉइंट खुलता तो अच्छा गैप अप होता है या नहीं? कम गुड से कम मॉर्निंग सर। 150 खुलता। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग पंकज जी, कैसे हैं आप? यस, तबियत जी तबियत सही है पंकज जी? तबियत सही है? यस, महेंद्र जी तबीयत बोल सही रहा है हूँ। पंकज जी? हाँ जी, महेंद्र जी, महेंद्र ही सर, महेंद्र बोल रहा हूँ। अच्छा महेंद्र, अच्छा सॉरी महेंद्र बोल रहे हैं। अच्छा मेरे को आपकी आवाज पंकज जैसी लगी, पंकज दिल्ली के हैं, ठीक है? उनकी बिल्कुल आपकी आवाज, उनकी आवाज कैसी लगी? यस महेंद्र जी ठीक है, बढ़िया ही चलिए सर। चलो चलो देखते हैं मार्केट में क्या है। अभी मैं ये बोल रहा हूं कि देखो अगर मार्केट 200 पॉइंट खुलेगा तो इसके रिट्रेसमेंट के बहुत चांसेस है। मार्केट 150 पॉइंट खुलेगा तो भी रिट्रेसमेंट के चांसेस है। लेकिन अगर मार्केट 50 पॉइंट के अंडर में खुलता है, 50 पॉइंट, ठीक है? और 50 पॉइंट पर भी कहां से चेक करेंगे? 50 पॉइंट जहां पर क्लोजिंग हुई है मैं वहां से चेक नहीं करूंगा, मैं इसके हाई से चेक करूंगा। इसके हाई से कितने पॉइंट ऊपर खुल रहा है? तो अगर मैं इसके हाई से काउंटिंग करता हूं तो हाई से कितने पॉइंट ऊपर खुल रहा है इसको यहां लगाइए, और यहां से लेता हूं तो अराउंड 40 पॉइंट है, राइट है? 40 पॉइंट या 50 पॉइंट हम नॉर्मल मानते हैं, और 40 पॉइंट 50 पॉइंट में कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट नीचे आए, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो हम इसको 50-50 में रखते हैं। जब तक मार्केट 50 पॉइंट पे है तो 50 पॉइंट को हम नॉर्मली फ्लैट मानते हैं, मार्केट को फ्लैट मानते हैं, हम एक बड़ा गैप अप नहीं मानते 50 पॉइंट को, ठीक है? तो इसलिए, और अगर 50 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी में खुले वो तो हम बिल्कुल ही नहीं मानते, राइट है? तो ये छोटे छोटे पॉइंट है। हो सकता है मार्केट अभी गैप फिलिंग के लिए आ जाए, आ जाए। अगर आएगा नीचे तो हम यहां पर सपोर्ट पे वेट करेंगे, और अगर नहीं आएगा डायरेक्ट ऊपर चलेगा तो मार्केट आराम से वैसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है? एक बात और, अगर मार्केट यहां से ऊपर चलता है, डायरेक्ट ऊपर चलता है, तो बाय करना कोई गलत नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक दो कैंडल के बाद एक रिट्रेसमेंट आ जाए, राइट है? 5-10 मिनट बाद एक रिट्रेसमेंट आ जाए तब हम एक अच्छी बाई कर पाएंगे। ये हम थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात पर।
इसके ऊपर के कोई भी बताए पिवोट पॉइंट कहां पर है। यस एनीवन, क्या मार्केट कल पूरे दिन पिवोट को क्रॉस नहीं कर पाया था? देखे कल भी नहीं किया था सर। नहीं किया था। और अगर उससे पहले दिन की बात करें तो यहां पर भी हमने मूविंग एवरेज पे कुछ काम किया था, मूविंग एवरेज पर कुछ काम किया था, तो देखो तब भी मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाया था और कल भी क्रॉस नहीं कर पाया। मार्केट का सेकेंड अटेम्प्ट था ये। आप देखो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और उसके बाद सिक्स्थ और उसके बाद सेवन्थ, सात अटेम्प्ट मार्केट कर चुका और अब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है। तो मार्केट अगर आएगा भी तो कहां पर सपोर्ट लेगा बताए? अगर मार्केट यहां पर खुलता भी है तो कहां सपोर्ट, इस पर सपोर्ट लेगा कि पिवट नहीं यहां पर कहीं? या सर पिवट पे राइट है, हो सकता है इसके हाई पर सपोर्ट ले ले या पिवोट पर सपोर्ट ले ले, दोनों केस हो सकते हैं। राइट है, तो दोनों केस हो सकते हैं। मार्केट में 11 हो रहे हैं, 3 मिनट बचे हैं, तो अभी हम आराम से वेट करेंगे। मार्केट कहां पर जाएगा, मार्केट को हम आराम से समझ के काम करेंगे। ठीक है, जब भी कभी कोई ऑप्शन लेते हो, जब भी कोई फ्यूचर लेते हो, जब कोई इक्विटी पे काम करते हो, हमेशा हाई के ऊपर काम करो, हाई के ऊपर, और वेट करो कि मूविंग एवरेजेस का आपका डिस्टेंस क्या है। मैं आपको सबसे सिंपल मूविंग एवरेज, सबसे सिंपल जो इंडिकेटर होते हैं जिसको लोग फेंक देते हैं कि किसी काम के नहीं होते, मतलब इसको तो करना भी क्यों है, हम उस पर ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल वाले पर। क्लाउड भी मैंने अभी लगाया, नहीं तो क्लाउड की भी मेरे को अभी इस पर जरूरत नहीं थी, इसी पर आप अपना काम कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मार्केट कहां पर खुलता है। क्या मार्केट छोटे लेवल पर भी पिवोट के ऊपर है? नए पिवोट बने होंगे, यस नए पिवोट बने होंगे। कोई भी चेक सर। करके बताए, सबको मैंने नए पिवोट लगाने बताए हुए हैं, तो जरा चेक करके बताएं नए पिवोट के ऊपर खुल रहा है मार्केट या नीचे खुल रहा है, नए वाले पिवोट के, जल्दी से कोई चेक करके बताए। यस कौस्तुभ जी, चेक करके बताए महेंद्र जी, मार्केट नए वाले पिवोट के, पुराना पिवोट तो ये रहा ब्लैक, नया पिवोट कहां है, यहां कहीं बन रहा है या कहां बन रहा है? यस नया पिवोट आप चेक करके बताएं जरा, नया पिवोट कहां पर बन रहा है? ये रहा है, राइट है, ये नया पिवोट है। मार्केट पिवोट के ऊपर ही खुल रहा है अभी, मार्केट फिलहाल बाय में ही है, तो अब देखते हैं मार्केट क्या करता है, देखते हैं मार्केट क्या करता है, अभी खुलने देते हैं। 13 हो रखे हैं, 2 मिनट बचे हुए हैं, 2 मिनट बाद हम वेट करेंगे, देखते हैं मार्केट क्या करता है, खुलने देते हैं आराम से। जितना भी मार्केट ऊपर जाएगा, जितना भी मार्केट ऊपर जाएगा उसके हिसाब से अपना मूवमेंट चेक करेंगे, और ये देखेंगे कि मार्केट का स्टार्टिंग में डाउन का मूवमेंट है या आपका मूवमेंट है, इस पॉइंट को भी हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो अभी कितने हो रहे हैं, 13 हो रहे हैं, 2 मिनट बाकी है किसी भी स्टॉक में। अच्छा एक पॉइंट और, कि मैं कई लोगों को ये चीज समझा रहा हूं कि स्टार्टिंग से ऑप्शन को मत करो, समझो अगर आप कोई ऑप्शन को बाय करना चाहते हो और आपकी कोई स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी आप बोलते हो मैं इस हाई के ऊपर बाय करता हूं या क्रॉसओवर पे बाय करता हूं, क्लाउड पे, बस्ट पे बाय करता हूं या पिवोट पर बाय करता हूं, उस स्ट्रेटेजी को कम से कम 10 टाइम्स इक्विटी में चेक कर लो। राइट है, आपको सपोज लगता है मैं पिवोट के ऊपर बाय करता हूं, पिवोट के ऊपर जाएगा तो मैं यहां से ऑप्शन बाय करूंगा फॉर एग्जाम्पल, या फिर RSI आपका 50 अबव हो रही है मैं तब बाय करूंगा, इस स्ट्रेटेजी को आपको नहीं लगता कि आपको पहले इक्विटी में कम से कम 10 बार चेक कर लेना चाहिए उसके बाद ऑप्शन में जाना चाहिए? हाँ या ना बताओ, यस सर। चाहिए या नहीं? हम डायरेक्टली उसमें एंटर कर जाते हैं और वहां पर हमें नुकसान हो जाता है क्योंकि हमने वो स्ट्रेटेजी टेस्ट नहीं की होती। तो चलिए अब बैंक निफ्टी पर आते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी कहां पर खुलता है, खुलने वाला है मार्केट, और 1-2 मिनट में कहां पर खुल रहा है इसको चेक करते हैं। यस कहां पर खुल रहा है देखें जरा, मार्केट बाय में खुल रहा है या सेल में खुल रहा है जरा ये देख के बताएं। यस बाय में खुल रहा है या सेल में खुल रहा बाय है? में खुल बाय रहा में खुल रहा है, लेकिन मार्केट आ कहां पर रहा है जरा ये भी बता दे। पिवोट पिवट पे आ रहा सर अपने नीचे। पे आ रहे हैं, राइट है, इस पर पिवोट भी लगा लेते हैं। देखो पिवोट पर आते हैं मार्केट कहां पर रुकता है जरा उसको चेक कर लेते हैं यहां पर, ये मैं यहां पर रोक देता हूं। मार्केट अपने कल के भी पिवोट के नीचे है, कल के पिवोट के नीचे है और आज के पिवोट के ऊपर ट्रेड कर रहा है,
और मार्केट सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है, लेकिन मार्केट का मूविंग एवरेज क्या कर रहा है देखे जरा। 550 क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। क्रॉस नीचे क्रॉसिंग करने की कोशिश कर रहा है, अभी देखते हैं मार्केट कहां सपोर्ट लेता है। वेट करना है, जब तक मार्केट का एक बाय नहीं आ जाता तब तक हम बाय की उम्मीद नहीं करेंगे, राइट है, सर अभी यहाँ पर वेट तो करेंगे फेकआउट के थोड़ा सा। सिम्टम बन रहे हैं ना सर, फेकआउट के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है यहां पर, वेट कर रहे हैं हम यहां पर मार्केट करेगा क्या, राइट, वेट करते हैं यहां पर मार्केट करेगा क्या। अगर मार्केट यहां से चलेगा तो आराम से ऊपर जा पाएगा, लेकिन वेट करते हैं 5 मिनट, वेट करते हैं कि मार्केट यहां पर करता क्या है, राइट है। मार्केट को यहां से वापस कहीं से चलना चाहिए या नहीं, राइट, यस सर। मार्केट को यहां से वापस चल जाना चाहिए, देखते हैं मार्केट चलता है नहीं चलता, वेट करते हैं 5 मिनट, ठीक है इसको। और अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में लगा लेता हूं तो छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट गिर रहा है, राइट है, मार्केट बाय में बैठा है या सेल में, अभी तो बाय में, बाय में साउथ सर। भी बाय में, राइट है, यहां भी बाय में है, तो मार्केट को यहां कहीं से या मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां कहीं से सपोर्ट ले लेना चाहिए, हमें लगता है कि मार्केट को ऐसे सपोर्ट लेना चाहिए। चलिए देखते हैं मार्केट अभी करता क्या है, मार्केट सपोर्ट लेने आ रहा है, मार्केट का सपोर्ट रीजन यही कहीं है, यही कहीं मार्केट को यहीं से वापस चले जाना चाहिए, राइट, देखते हैं मार्केट क्या वहां से सपोर्ट से जाता है या नहीं जाता है, इस जगह से वापस जाएगा या नहीं जाएगा। आज हमने क्या कर रखा है, आज हमने क्लाउड का भी यूज कर रखा है, आज हमने अपने मूविंग एवरेज का भी यूज कर रखा है, तो हमने आज दोनों ले रखे, चलो दोनों पे काम करके देखते हैं। सबसे पहले सपोर्ट किसका होना चाहिए, यस, सबसे पहले सपोर्ट इसका मिलना चाहिए या नहीं, मूविंग यस सर, एवरेज का, पांच कौन करोड़ सा, फाइव, सर ये क्लाउड की क्या सेटिंग रखी हुई है? क्लाउड की सेटिंग मैं बता दूंगा, पहले इसमें काम कर लेते हैं। एक्चुअली पूरी यूट्यूब पे करने अगर मैं सेटिंग बताऊंगा तो यहाँ सब गड़बड़ हो जाती है, फिर सारे मेरे पास कॉल आने शुरू हो जाते हैं, राइट है, ओके, आप में से पूछ लीजिएगा, फोन पे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, राइट है, फोन पे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा सारी सेटिंग, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं कुछ एक वर्ड भी बोलूंगा तो अभी मेरे पास कॉल आने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर बाद ही फिर, सर इसमें ठीक है। स्टडी वाले ग्रुप में डाल देना। हाँ स्टडी वाले ग्रुप में डाल दूंगा, कोई इशू नहीं है, वो बहुत इजी सेटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करो, सबसे पहले सपोर्ट कौन सा है इसका, सबसे पहले सपोर्ट ये वाला है, फाइव मूविंग राइट एवरेज है, सर। फाइव मूविंग एवरेज, तो फाइव मूविंग एवरेज पर इसका सपोर्ट मिलना चाहिए। और दूसरा सपोर्ट कौन सा है, कल का ये सपोर्ट है कि नहीं है, ऊपर का, यहीं से गिरा है मार्केट, देखो कल यहीं से गिरा था या नहीं, ये आया था यस सर। डाउन पे, तो सपोर्ट कौन सा बनेगा, ये ऊपर वाला, तो मार्केट पहले तो फाइव मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले और उसके बाद यहां सपोर्ट ले, तो मार्केट एक सही सपोर्ट पे बैठ पाएगा या नहीं, यस सर। राइट है। अभी वेट करते हैं मार्केट करता क्या, मार्केट ने तो अभी चलना शुरू किया है, तो अभी ऐसे नहीं बोल सकते कि मार्केट अभी सेल में आ गया बाय में आ गया, अभी तो शुरू हुआ है मार्केट। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, अभी कितने हो रहे हैं, 18, 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए, 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए, अब देखो मार्केट क्या करना शुरू हो गया, क्या इस पे सपोर्ट लेना शुरू हो गया, जी सर। हार गया ना, यस सर। ट्रेड चल यस रहे हैं, यस ट्रेड देखो ट्रेड चल रहे हैं, ट्रेड मैंने हटाए नहीं है, ट्रेड सारे के सारे चलते जा रहे हैं, ट्रेड को मैं नहीं हटा रहा हूं यहां से, राइट है। और कौन सा कॉल ले रखा है मैंने, बहुत दूर का कॉल ले रखा है कि नहीं, दूर का कॉल बताए, 47,200, 47,500, बहुत दूर दूर के कॉल है, पास के भी नहीं है, और इनको रखे रखे हुए हूं, और जब मार्केट यहां कहीं पहुंचेगा या ऊपर पहुंचेगा तो हम इसमें से कुछ कॉल्स हटा देंगे, राइट है, अभी अभी रहने देते हैं, तब हम कुछ कॉल हटाएंगे, 80 के बजाय मैं इसको देखो 90 पे कर देता हूं, इसको 90 पे मैं कुछ कॉल हटा दूंगा, यहां से ये 90 है, 90 पे एक कॉल मैं यहां से हटा दूंगा, मार्केट जब ऊपर जाएगा, और इसकी कॉल 57 पे है तो मैं इसको इसको भी एग्जिट करता हूं 70 पर, राइट है, 57, 70 पर मैं इसको भी एग्जिट करूंगा एक कॉल, डन चल रहा है, देखो आपके सामने दोनों कॉल, और कोई भी नीचे एसएल नहीं लगाया, देखो मैंने टारगेट लगा रखे हैं पर मेरा कोई एसएल नहीं है, एसएल के साथ में काम ही नहीं कर रहा हूं, राइट है, देखो चल रहे हैं दोनों के दोनों, अब कहां पर जाना चाहिए इनको, यस, सपोर्ट कहां पर लिया इसने, 5 पे सर। 5 पे मूविंग एवरेज पे, राइट है, अब इसको इसके ऊपर चलना चाहिए थोड़ी देर बाद या नहीं, और निकल जाना चाहिए बाहर, यस सर।
ठीक है, वहाँ पे अगर सर सही थोड़ा है तो रुकेगा ना, वहाँ पे थोड़ा मतलब तो रिजेक्शन हो सकती हाँ, है पेमेंट पे। अच्छा थोड़ा रिजेक्शन भी हो सकता है, बिल्कुल रुक सकता है वहां पर। देखो दोनों कट गए हमारे, दोनों कट सर, चुके हैं, राइट है। अब यहाँ पर 21 जो 500 वाला है अभी चल रहा है, 47,000 पे चल रहा है मार्केट। और देखो अभी क्या, ये दोनों के दोनों प्रॉफिट ही दे रहे हैं, तो इसमें से कुछ प्रॉफिट हम एक को बुक कर लेते हैं यहाँ से, एक को बुक कर लेते हैं और एक को छोड़े रहते हैं। 47,200 हमने छोड़ा हुआ है और मार्केट ने हमें 1,000 रुपीज दे दिए, राइट है। ओके जी सर। सर, अभी क्या हमें रुक जाना चाहिए या चलते रहने देना चाहिए, बताओ? सर चलते रहने देना चाहिए। ठीक चलते रहने, चलो चलते रहने देते, इसका कोई इशू नहीं है, ये मैंने चलते रहने दिया। पूरा मार्केट के पास अभी बहुत टाइम है, सेटअप पे काम कर रहे हैं। कल मार्केट ने कब आपको बाय दिया था, मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग? मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ये बाय था या नहीं? सर, क्लाउड के नीचे सर 4 नंबर का बाय। मस्त बाय, बहुत प्यारा बाय। मतलब ये बाय आपको कभी कभी देखने को मिलते हैं, लेकिन जब देखने को मिलते हैं तो बहुत प्यारे बाय होते हैं। तो एक बाय ये देखने को मिला था, ये आपका क्लाउड था, ये क्लाउड था, मार्केट क्लाउड के ऊपर गया। मार्केट में जब यहां पर आया तो एक दोबारा बाय शुरू हुई थी और मार्केट ऊपर चला, एक मूव दिया। आज भी मार्केट का एक बड़ा मूव है, इसके बाद मार्केट बाहर निकलेगा तो फिर से एक बड़ा मूव शुरू यहां पर। तो अभी मार्केट को 15-20 मिनट में इसके बाहर निकल जाना चाहिए, फिर से एक बड़ा मूव शुरू हो जाएगा। मार्केट आपको पैसे दे रहा होगा, ये देखिए पैसा दे रहा होगा, मना नहीं कर रहा होगा मार्केट पैसा देने से। मार्केट पैसा देता है लेकिन देता किसे, अब ये बताओ? यस, जब आप मेहनत करोगे तो पैसे देगा कि नहीं देगा? जी सर, मेहनत करोगे तो पैसे मिल जाएंगे, नहीं मेहनत करोगे तो फिर पैसे चले जाएंगे, यही तो होगा। अब सर वेट जैसे करना है तो हमें क्वेश्चन अभी। है यहाँ पे सर, यहाँ पे मतलब रुकेगा इसलिए ना क्योंकि 20 जो काफी दूर है उसको ऊपर लाने के लिए रुक सकता है, राइट? हाँ रुक सकता है, बिल्कुल रुक सकता है मार्केट, लेकिन मार्केट यहां पर करेगा क्या, मार्केट को क्लाउड से बाहर निकलने की भी जल्दी है, समझो। एक पॉइंट और भी यहां पर, मार्केट में क्लाउड से बाहर निकलने की मार्केट को जल्दी है, क्योंकि जितना देर मार्केट क्लाउड में बैठा रहेगा उतना टाइम वेस्ट होता रहेगा मार्केट का, या नहीं जी सर, लेकिन सर जो अगला समझे? क्लाउड है वो तो रेड है ना अभी, बिल्कुल तो अगर वो रेड है तो मतलब कि क्लाउड में थोड़ा रिजेक्शन लेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट की देखो क्या करेगा, मार्केट में ये जो क्लाउड है ना, ये दो कंडीशन यहां पर हो सकती है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि मार्केट अंदर ही रुके और इसको ग्रीन करे, राइट। दूसरा मार्केट क्या करेगा, यहां पर कहीं रुक जाएगा क्लाउड के जस्ट मार्जिन पर और तब इसको ग्रीन करेगा, राइट है। दो केस में इसको ग्रीन कर सकता है, और मेरे हिसाब से क्या करेगा, मार्केट इसे ब्रेकआउट करके तब ग्रीन करेगा इसको, क्लियर है? तो अभी देखो मार्केट चल ही रहा है, ऊपर चल रहा है, चलते जा रहा है। आपको 1,500 रुपए मार्केट ने दे चुका है, अभी भी दे ही रहा है, अभी भी देखो हाई के ऊपर निकल गया। अपना लालच कभी नहीं करना चाहिए और रुक जाना चाहिए, राइट है, लालच कभी नहीं। आपको पैसे मिल गए आपके पूरे 1,500 रुपए लगभग यस सर, ऑलमोस्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से चलते हैं एक रिट्रेसमेंट की तरफ को। अगर मार्केट अब रिट्रेस लेगा, अगर मार्केट रिट्रेस करता है तो हम इसमें री एंट्री करेंगे। थोड़ा सा नीचे आ जाना चाहिए मार्केट को या नहीं आना चाहिए, चले नीचे का वेट करते हैं, जरा सा कर लेते हैं वेट कि मार्केट यहां पर करेगा क्या। अच्छा ये क्लाउड जो क्लोज करेगा, ये कैसे क्लोज करने की है, जो रेड क्लाउड बना हुआ है ये कैसे क्लोज करेगा रेड क्लाउड? मतलब आपका स्पैन भी फ्लैट रहेगा, यस सर, राइट? स्पैन ये सर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा ये। स्पैन भी फ्लैट रहेगा और स्पैन ए ऊपर जाएगा, यस सर, जी सर। ऐसे जाएगा या कैसे करेगा, आप बताओ? सर ऊपर वाला नीचे भी हो सकता है ना सर, जो स्पैन भी है ऊपर वाला नीचे भी नीचे भी कर हो पाएगा। सकता है, बिल्कुल। अब देखते हैं, अब कोई भी मेरे को ये बताएगा कि दोनों में फर्क क्या है। यस, हालांकि मैंने बताया हुआ है मगर जल्दी से कौन बताएगा दोनों में फर्क क्या है? सर अगर कैंडल नीचे आएगी तो थोड़ा वो नीचे जाएगा सर। अब देखो ये रिसर्च का टॉपिक है आपके, ये रिसर्च का टॉपिक है कि दोनों में से कौन। हाँ जी, सर अभी शार्प देखो मूव यहां पर, अब देखो यहां पर एक पॉइंट हो सकता है। देखो जब मार्केट क्लोज करेगा तो क्या करेगा,
यहाँ पर आपके पास क्या हो सकता है, ये स्ट्रेट जाके और ये ऊपर जा सकता है, राइट, ऐसे क्लोज कर सकता है, यस, हाँ या ना, हो सकता है? यस सर, बिल्कुल सकता है सर, अगर हाई को तोड़ेगा तो सर फिर तो चेंज होगा, फिर चेंज हो जाएगा, राइट है। अब जरा पॉइंट पे आते हैं, दूसरा मार्केट क्या कर सकता है, दूसरा मार्केट ये कर सकता है कि इसको नीचे ले आए और इसको ऊपर कर दे, यस सर, राइट है। तीसरा मार्केट क्या कर सकता है, तीसरा मार्केट ये कर सकता है कि इसको नीचे ले आए और इसको भी नीचे ले आए, यस सर, दोनों। चौथा मार्केट क्या कर सकता है, इसको भी ऊपर ले जाए और इसको भी ऊपर ले जाए, यस सर, सब कैंडल पे डिपेंड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये चारों जो टाइप है इनका मतलब क्या निकालोगे, क्वेश्चन अब ये है भाई, कैंडल अलग पार्ट है, क्लाउड अलग पार्ट है, क्लाउड क्या बोलेगा, देखो हमने एक कॉल और ले ली है, राइट, एक कॉल और ले ली है, एक कॉल और चल रही है हमारी, और कोई एसएल नहीं है, देखो कोई एसएल के साथ में चलना ही नहीं, कॉन्फिडेंस इतना लेवल तो होना चाहिए कॉन्फिडेंस का या नहीं, यस सर, क्यों, ऑप्शन करने और विदाउट हैजिंग, विदाउट एसएल बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, जल्दी से कोई हाथ भी नहीं लगाएगा कि बिना एसएल के या बिना मैं हैज के किसी ऑप्शन को करूं, लेकिन यकीन, यकीन किस पर है, इस पर यकीन है कि नहीं है, यस सर, अपनी स्ट्रेटेजी पर, हाँ जी, नीचे तो तब आएगा ना सर, जब एवरेज अपने आप को लूज करेगी फिर वो नीचे आना शुरू कर देगा, यस, और इस केस में तो यह है कि ऑपोजिट है, क्योंकि वो ऊपर चढ़ा हुआ है, तो अगर एवरेज ऊपर जाएगी तब भी नीचे आएगा वो, यस। अभी मार्केट कहां तक आ सकता है, देखो आप एक पॉइंट जरा चेक करते हैं, मार्केट अगर रिट्रेस करेगा, वैसे तो यहाँ पर साइडवेज बना देगा मार्केट और चला जाएगा ऊपर, लेकिन फिर भी अगर ये रिट्रेस करेगा तो कहां तक आ सकता है, आपका मार्केट या तो यहां तक, एन वेव ये वाली है, और या फिर यहां तक, राइट, जी सर, दो जगह है जहां तक मार्केट आ सकता है, इतना नीचे आना बहुत मुश्किल है, मार्केट यहां पर या यहां पर आ सकता है, तो दो जगह पर हम वेट करेंगे। और ये मार्केट क्यों नीचे आएगा, रीजन क्या है नीचे आने का, इसके लिए वेट करेगा, यस सर, राइट है। ये जैसे मैं बोल रहा था ना, ये मार्केट बिल्कुल एज पे जाके रुकेगा, यहाँ कहीं और ऊपर भी रुक सकता था यहाँ पर कहीं पर, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर थोड़ी देर रुकेगा, कहीं पर भी हो सकता है यहाँ पर रुके, इसके बीच में साइडवेज बना दे और फिर बाहर निकलेगा, राइट है। अब जरा यहाँ पर चेक करें, अभी हमारे पास दिक्कत एक और क्या हो रही है, कि ये फाइव का जो मूविंग एवरेज है ये आपके क्लाउड के अंदर है कि नहीं, अभी बताए, यस सर, अंदर बैठा हुआ है, तो ये इसको बाहर निकालने के लिए साइडवेज बना देगा, क्लियर है, जी सर। अब देख इस बात का ध्यान रखना है कि देखो अभी आपका 20 का मूविंग एवरेज 5 से दूर है, ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए, ये अच्छा पॉइंट है, खराब पॉइंट नहीं है, यहां पर एक कंफ्यूजन में मत जाना कि ये पास में आएगा, राइट है, 20 का मूविंग एवरेज पास में आएगा तब मार्केट ऊपर चलेगा, वो नहीं होगा, यहां पर मूविंग एवरेज में ऊपर की साइड जाने पर डिस्टेंस का मतलब है कि ये ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा, राइट है, इस बात का ध्यान रखना, ये इसका इंटरप्रिटेशन रहेगा, तो नीचे नहीं गिरेगा, तो इसलिए कंफ्यूजन में मत आना कि ये नीचे आएगा या पास में जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर मार्केट क्या कर रहा है, यहां पर मार्केट अपना एक रुकने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है अभी थोड़ी देर और साइडवेज में मार्केट चला जाए, थोड़ी देर और साइडवेज चलता रहे, उसके बाद मार्केट ऊपर चलेगा। तो अब आपका हाई लेवल कौन सा हो गया जो ब्रेक होना चाहिए, ये हाई लेवल हो गया कि नहीं जो ब्रेक होना चाहिए, यस सर, राइट है। और जब मार्केट हाई लेवल के पास पहुंचेगा, अब की बार पहुंचे, तो आपका फाइव मूविंग एवरेज भी आसपास होना चाहिए कि नहीं, जी सर, फाइव मूविंग एवरेज अभी दूर बैठा हुआ है, तो अभी हमें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए कि मार्केट थोड़ा सा, अगर कहीं एवरेज भी हमें करना पड़ता है, जैसे देखो अभी मैंने लिया तो मार्केट ये देखो नेगेटिव दिखा रहा है, तो मेरे को कहां पर एवरेज करना चाहिए ये भी समझे, क्या मैं यहीं पर ही एवरेज कर लूं, भाई मेरे को 300 रुपए का नुकसान दिखा दिया तो क्या मैं एवरेज कर लूं, नहीं नहीं सर, इसको हो जाने दो, हजार हो जाने दो इसको, तब आप करोगे तो आपको अच्छा रिटर्न एक वापिस देगा मार्केट, ठीक है, और एवरेज भी अच्छा बनेगा वहां पर। देखो हम वेट कर रहे हैं यहां पर कि मार्केट करेगा क्या, वेट करते हैं मार्केट करेगा क्या, अभी मार्केट बाय में है, मगर कहां तक आ सकता है, यहां तक या यहां तक हम वेट कर रहे हैं कि नहीं मार्केट का, यस सर, और मेरे लिए तो अच्छा है मैं यहां यहां इसे एवरेज करूं। देखो अगर आप ध्यान दोगे तो देखो आपका 20 का मूविंग एवरेज अब क्लाउड के अंदर एंटर किया, यस 20 का मूविंग एवरेज अब क्लाउड के अंदर एंटर किया, अब
यहाँ पर एक क्वेश्चन है छोटा सा, ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है कि भाई मेरे को यहाँ पर एवरेज करना चाहिए या फिर मेरे को यहाँ पर दूसरी कॉल बाय करनी चाहिए, ये बताएं। सर दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, करना क्या चाहिए अभी बता दे। कॉल लेनी चाहिए सर। सर दूसरी कॉल बाय करनी चाहिए, उससे जब प्रॉफिट में आएगा तो हम उसको एग्जिट मार पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो देखो क्या मैंने दूसरी कॉल बाय कर ली? यस सर। राइट है, सही किया या गलत किया बताएं? सही किया सर, मेरे ओपिनियन में सही किया। देखो ये आपको सोचना है, आपको सोचना है कि क्या सही और क्या गलत, क्योंकि ट्रेड आपके हाथ में होगा। अभी ये ट्रेड मेरे हाथ में है तो बेस्ट जज कौन है? मैं हूं ना, कि मेरे को करना है नहीं करना। राइट है, अगर आप बोलोगे कि भाई इसको मैं 30 पर हटा देता हूं क्योंकि इसका काम नहीं है, 5:30 पर इसको हटा देंगे, 30 पर हम एक लॉट को कम कर देंगे, ठीक है, अभी चलने देते हैं, अभी चल रहा है मार्केट। तो देखो आप हो बेस्ट जज इसके, समझो इस समय बेस्ट जज कौन है? आप हो, क्योंकि आपके हाथ में ट्रेड है। इस समय मैं ट्रेड ले रहा हूं तो बेस्ट जज कौन है? मैं हूं। मेरे को डिसाइड करना है कि मेरे को कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है, कहां पर इसे हटा देना है। अगर मार्केट नीचे आया तो जो दूसरी कॉल ली मेरे को उसे हटाना है या रखना है, ये सब मेरे को डिसाइड करना है। ऐसे ही जब आप सिस्टम पे बैठे होंगे तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। इसलिए जब कभी आप काम कर रहे हो तो सोच समझ के ट्रेड को लेना। अब मार्केट को कहां सपोर्ट ले लेना चाहिए बताओ, जहां कहीं सपोर्ट लेना चाहिए दोबारा से या नहीं? यस सर। राइट है, आपका क्या ये वाला जो आपके पास क्लाउड है ये बाहर निकलना शुरू हो गया? राइट है, आप देखिए ये आपका बाहर निकलना शुरू हो गया है तो मार्केट को क्या करना चाहिए? यहां कहीं सपोर्ट ले लेना चाहिए, लेकिन अगर यहां आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर नीचे आ जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा, हम और आराम से काम कर पाएंगे, पर बहुत मुश्किल है मार्केट का आना, यहीं कहीं से मार्केट अपना सपोर्ट पकड़ जाएगा ऊपर। तो वेट करते हैं मार्केट यहां पर करेगा क्या, थोड़ा सा वेट करते हैं कि मार्केट यहां करेगा क्या, चलने देते हैं। और पूरा दिन अभी पड़ा हुआ है, पूरा दिन पड़ा हुआ है अभी, ठीक है, अभी कितने घंटे पड़े हैं? अभी तो एक घंटा भी नहीं हुआ, 6 घंटे हमारे पास है कि नहीं है? बहुत है। अब ऐसे में आपको ये डिसाइड करना है, देखो ये सारी ये क्लाउड की शेप, ठीक है, आपकी शेप क्या जा रही है, आपका मार्केट कहां पर साइडवेज बन रहा है, मार्केट का सपोर्ट कौन कौन से है, ठीक है, मार्केट के मूविंग एवरेज क्या कर रहे हैं, मार्केट का क्लाउड क्या कर रहा है, ये सारी चीजें मैटर करेंगी और ये आपको एक अच्छी बाय दिलाने में हेल्प करेगी। राइट है, ये एक अच्छी बाय दिलाने में आपकी हेल्प कर सकती है। तो अभी वेट करते हैं मार्केट कहां तक आ सकते हैं, हम कहां पर वेट कर रहे हैं जरा मार्केट की बताएं, कहां तक वेट कर रहे हैं? मैं यहां तक वेट कर रहा हूं कि नहीं? यस सर। यहां तक आ जाए, आना मुश्किल है, लेकिन अगर आ जाएगा तो और यहां से उठेगा मार्केट तो रिटर्न आपको अच्छा देके चला जाएगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, वहां पर अच्छा रिटर्न मार्केट आप देके जा सकता है। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट यहां पर करता क्या है सपोर्ट पे। अच्छा, अब सपोर्ट कौन सा है मार्केट का जरा ये बताएं, अब सपोर्ट कौन सा है मार्केट का? 20। यस 20। अब या तो 20 है और या फिर मार्केट 5 के ऊपर जाए। यस सर, दोनों में से ही काम होगा, या तो 20 पर या 5 पर, दो में से एक जगह चला जाए। अब ज्यादा अच्छा क्या होगा, अब ये भी समझना, ज्यादा अच्छा 20 पे आना है या ज्यादा अच्छा 5 के ऊपर है? अभी तो 5 के पास में है ना मार्केट, 5 के ऊपर ही चला जाए तो बढ़िया, तो 5 के ऊपर चला जाए तो वो आपका ज्यादा अच्छा सपोर्ट है इस समय। तो मार्केट को क्या करना चाहिए, यहां वैसे भी देखो मार्केट का यही सपोर्ट, एन वेव का यही सपोर्ट है कि नहीं, तो मार्केट को वापस इसके ऊपर चले जाना चाहिए अगर सपोर्ट पे जाना है तो। राइट है, तो अब देखते हैं मार्केट करता क्या है, सपोर्ट पे जाता है या नहीं जाता है, देखें क्या कर रहा है मार्केट, क्या सपोर्ट पर चला गया मार्केट, बाय प्रेशर बनना शुरू हो गया। यस राइट है, अब मार्केट को किसके ऊपर चले जाना चाहिए, मार्केट ने अपना एक सपोर्ट पकड़ा, वो किस चीज का सपोर्ट है? देखो 5 मूविंग एवरेज का सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो एन वेव का सपोर्ट पकड़ा मार्केट ने या नहीं? जी सर। राइट है, अब मार्केट को इस एनवेव के सपोर्ट से वापस ऊपर जाना चाहिए बाय के लिए, अगर मार्केट बाय में जाना चाहता है तो, ठीक है। और मार्केट अगर यहां पर सपोर्ट पकड़ता है तो 5 मूविंग एवरेज का सपोर्ट पकड़ जाएगा फिर। राइट है, या सीधा सीधा बोलो मार्केट को 5 मूविंग एवरेज का सपोर्ट पकड़ लेना चाहिए। राइट है, यही बोल सकते हैं सीधा।
चले अब आगे देखते हैं मार्केट करता क्या है। हमें यहाँ पर वेट करना है कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट पकड़ता है या नहीं पकड़ता। और अब अगर मार्केट अपने 5 के ऊपर चला गया तो यस, अगर सपोर्ट पकड़ के चला गया तो फिर मार्केट आराम आराम से ऊपर चल सकता है, बाय साइड भी चल सकता है, राइट है। अगर हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं और मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से बाय बोलता हूं, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से बाय कब आती है? देखो ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है और ये इनसाइड बार है, मिनिमम इसके ऊपर आती है कि नहीं? जी सर, मिनिमम इसके ऊपर आपकी बाय होती है प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो अभी तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी बाय नहीं आई, तो हम थोड़ा और वेट कर सकते हैं या नहीं? यस सर, क्लियर है। थोड़ा सा और वेट करेंगे मार्केट का और बाय में जाने देंगे, देखते हैं मार्केट बाय में जाता है या नहीं जाता है। वेट करना हमारे लिए ज्यादा सही है, मार्केट ने ना तो अपनी सेल पकड़ी हुई है ना बाय पकड़ी हुई है, तो थोड़ा सा वेट करने में हमारा कुछ नहीं जाता। क्लियर, थोड़ा सा वेट करें और देखें मार्केट करता क्या है। नीचे आएगा मार्केट, अगर मार्केट नीचे आता है तो नीचे आने पर मार्केट का एक सपोर्ट लेवल है, और मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल मार्केट का बना हुआ है। डन है, अपने नीचे के सपोर्ट लेवल और ऊपर के सपोर्ट लेवल मार्क कर ले, ये सपोर्ट लेवल आपके काम में आते हैं, राइट है, ये सपोर्ट लेवल आपके काम में आते हैं, तो इसलिए पहले सपोर्ट लेवल को मार्क करके रख ले अपना कि कौन से मेरे सपोर्ट लेवल हो सकते हैं। यस, पहला सपोर्ट लेवल कौन सा है जरा मेरा कोई भी बता दे। 5 का और एन वेव का, दो सपोर्ट लेवल है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो मार्केट इसके ऊपर जाना चाहिए कि नहीं सपोर्ट लेने के लिए? 5 के ऊपर। यस सर, जाना ही चाहिए मार्केट को, अगर सपोर्ट लेना है तो उसके ऊपर मार्केट को निकलना ही चाहिए, और मार्केट अभी उसके ऊपर निकला नहीं है, ना तो मार्केट सेल में है और ना भी बाय में। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए? कॉफी बनाने का टाइम आ गया। जी सर, कॉफी बनाने का टाइम आ गया, शुरू हो गया मार्केट सपोर्ट पर। आपकी कैलकुलेशन मैटर करती है, आपकी कैलकुलेशन है क्या, आपकी एनालिसिस है क्या, इस पर डिपेंड होगा कि मार्केट कहां जाएगा, राइट है। मार्केट सपोर्ट पकड़ने जा रहा है कि नहीं? यस सर, यस। क्या मार्केट सपोर्ट पकड़ने जा रहा है? यस सर। अब क्या हमें बुक कर लेना चाहिए अपना एक प्रॉफिट? बिल्कुल सर, इसको तो बुक कर ले एक को, राइट है। एक बुकिंग शुरू, देख लेते हैं। देखो ये जीरो दाना पता नहीं है, देखो अभी इसकी स्क्रीन ना तो ये देख सकते हैं ना, ये देख सकते हैं, देख रहे, ये बड़ा इश्यू है। चलिए वापस हमारे पास अब पैसा कितना हो गया है? 3,000 रुपए हो गए। चले अब चलना शुरू हो गया मार्केट, अपने सपोर्ट पे आ गया, तो किसको बुक करना चाहिए बताओ, दोनों में से किसको बुक करूं? सर बड़े बड़े वाले को। बड़े वाले को, अब बड़ा कौन सा बताओ? सर 520 वाला। सर जो दोनों 15 ही है सर, कोई भी कर लो, एक जैसे ही है, कोई भी कर लो। कौन सा करना चाहिए बताओ, कौन सा बुक करना चाहिए? आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा बुक करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सर जिसका एवरेज 47-100 वाली बुक कर ले सर, 47-100 वाला बुक कर ले। चलो मैं 47-100 वाला बुक करता हूँ, और क्यों किया मैंने 47-100 वाला बुक, आप इसका आंसर करिए। वो कुछ दूर का है सर, इसलिए ये आप जरा समझो ना सर, उसकी एवरेज कम थी तो आपको ज्यादा पैसा उसमें मिलेगा ऊपर वाले में। चलो एक और पॉइंट समझते हैं यहाँ पर, एक और पॉइंट समझते हैं छोटा सा। देखो मार्केट मैंने बोला था ये निकलने के लिए रेडी, अब इसके ऊपर हाई के ऊपर मार्केट बाहर निकल जाएगा, राइट, बाहर निकल जाएगा। Yes, तो अब लगभग हमें मार्केट ने 3,000 रुपए दे के छोड़ दिए। अब जरा यहाँ पर चेक करते हैं क्लाउड का क्या हाल है। क्लाउड ये देखो अभी भी क्लोज नहीं हुआ है, मतलब मार्केट हमें एक और मौका दे सकता है नीचे आने का, राइट है, दे सकता है। तो इसको भी एक बुक करेंगे, इसको भी जरा सा निकलने पर बुक करेंगे, क्योंकि क्लाउड अभी भी ग्रीन नहीं हुआ है, हमें एक मौका और दे सकता है मार्केट नीचे आने का, मतलब दोबारा से बाय करने का, इसको चलने देंगे। हमें मार्केट ने 3100 रुपए दिए हैं, तो अगर मार्केट एक बाहर निकलेगा तो एक शूट कर सकता है यहां तक, राइट, तो हम यहां पर इसे बुक कर सकते हैं ऊपर, या जैसे ही ये ब्रेक करेगा, ऊपर ब्रेक करेगा, तो मैं यहां पर इसे
एक बुकिंग कर सकता हूँ, रख भी सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं, रख भी सकते हो इसको। तो लगभग 3,000 रुपए मार्केट ने हमें दे रखे हैं अभी, और बैठे हुए देखते हैं अभी क्या होता है। देखो मार्केट एक और मूव ले सकता है, लेकिन अब हमारे पास किसके चांसेस है, आप जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर चांसेस किसके हैं, ये मार्केट बाहर निकलने को तैयार है मूविंग एवरेज या नहीं, राइट है? तो चांसेस किसके हैं, शूट के चांसेस हैं या नीचे गिरने के चांसेस है? शूट के सर। और ये 20 का मूविंग एवरेज क्या कर रहा है, 20 का मूविंग एवरेज, जबकि मार्केट साइडवेज था, 20 का मूविंग एवरेज मूव कर गया है पूरा या नहीं? इसी साइडवेज मार्केट में 5 का मूविंग एवरेज ने क्या किया, ऊपर जाके पहले पिवट को भी तोड़ रहा है सर, राइट? तो अब आपका एक या दो कैंडल में इसे ब्रेकआउट करके बाहर निकलना चाहिए, हो सकता है यहीं कहीं निकल जाए, ये यहां तक जाएगा, तो हमारी बुकिंग यहां पर हो सकती है, यहां पर कहीं पर हमारी बुकिंग हम कर सकते हैं, अपने एक लॉट की बुकिंग आप वहां पर कर ले, अगर आपने कोई कॉल लिया हुआ है तो। अब चल रहा है हमके देखो ऊपर चल रहा है, इसके ऊपर जाएगा तो यहां तक का एक पॉइंट है, और वहां पर हम अपनी कोई बुकिंग करके रख लेंगे। देखो अभी चल रहा है मार्केट, और उस पॉइंट पे हमारी बुकिंग हो जाएगी, राइट है? 3400-3500, थोड़ा सा ऊपर जाने देते हैं मार्केट को, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाने देते हैं, और अगर थोड़ा सा हल्का सा ऊपर चलेगा तो इसकी बुकिंग कर लेंगे। थोड़ा सा इसे इधर कर लेता हूं मैं, ये इतनी नहीं विंडो ना, ये जीरो दा को छोटी सी बनानी चाहिए, इतनी बड़ी विंडो डाल देते हैं, नीचे छोटी सी विंडो डाले, ठीक है। अभी देखो चल रहा है, अभी चल रहा है मार्केट, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो हम उसकी बुकिंग कर सकते हैं, रुक भी सकते हैं, वेट, ऐसा कोई इशू नहीं है, हम ऊपर यहाँ पर टारगेट भी लगा के छोड़ सकते हैं। हमें देखो डरने की जरूरत क्यों नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इस समय एक ही लॉट हमारे पास है या नहीं है, राइट है? एक ही लॉट है तो क्या एक लॉट में डरने की जरूरत होती है? चलिए 65 चल रहा है और हम इस समय 80 पर या 85 पर इसकी बुकिंग लगा देता हूँ, राइट है? 85 पे मैं इसकी बुकिंग लगा देता हूँ, चला जाएगा अपने आप ही हटा देगा, ठीक है? तो अभी कितना चल रहा है, 71 चल रहा है, और 85 पे मैंने इसकी बुकिंग कर दी है कि 85 पर जाएगा तो मेरे को अपने आप ही कुछ 1200-1300 रुपए देके चले जाएगा। तो ये अब देखते हैं 74 चल रहा है ये, ठीक है, चलने देते हैं इसको, नीचे आएगा तो एवरेज कर देंगे, ऊपर जाएगा तो हमारी बुकिंग अपने आप ही हो जाएगी, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो मार्केट ने इस समय 3327 कितने ट्रेड बाइनर से बताए प्लीज, ये हाउ मेनी ट्रेड्स आर नेगेटिव प्लीज टेल मी, कितने हैं, 1, 2, 3, 4 ट्रेड लिए बस, जरूरी है 10 ट्रेड लेना? यस सर, ये भी चला गया, 10 ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। टोटल पैसे कितने मिल गए हमें, 3500 रुपए मिल गए, 4 ट्रेड हमने किए, चारों ट्रेड अच्छे हैं, हमें खुश हो जाना चाहिए या नहीं, राइट? हैप्पी रहना चाहिए। चलो अब आगे चलते हैं, हमने ये सेटअप हटा देते हैं अब हमारे सेटअप का, या चलो किसी स्टॉक को भी देख लेते हैं सेटअप पर। सेटअप समझ में आ रखा है आपको, ठीक है, सेटअप में कोई इशू नहीं है, क्लाउड हमने साथ में यूज कर दिए हैं, और अभी भी मार्केट को जब सुबह देखा हमने तो देखा मार्केट अभी पॉजिटिव भी है, तो हम पॉजिटिव में जा सकते हैं, अभी भी पॉजिटिव में जा सकते हैं, अभी भी अगर आप कॉल लोगे तो आप उसको रख सकते हो। लेकिन आप क्या करो, जब आपको पता लगे मार्केट पॉजिटिव है तो डिप का वेट करें, राइट है? दोबारा से समझे, आपको लगता है मार्केट पॉजिटिव है, वेट करें डिप का। जैसे यहां पर देखें, अगर मैं 23 तारीख को देखता, मेरे को पता था मार्केट पॉजिटिव है, डिप का वेट करना चाहिए था या नहीं, राइट? डिप एंड सपोर्ट, खाली डिप ही नहीं, अगर मार्केट पॉजिटिव है तो डिप एंड सपोर्ट, अगर मार्केट नेगेटिव है तो राइज एंड रेजिस्टेंस, ये दोनों चीजों का वेट करें। अगर डिप है, दोबारा बता देता हूं, अगर मार्केट पॉजिटिव है तो डिप का वेट करें एंड सपोर्ट, और अगर मार्केट आपका डाउन में है, नेगेटिव मार्केट है, तो उस समय राइज एंड रेजिस्टेंस, इसका वेट करें, ये आपको अच्छा पैसा देके जाएगा। अब देखिए 5 का मूविंग एवरेज बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है, अब अगर मेरे को एक डिप मिलेगी मेरे को ले लेना चाहिए, और इस समय मैं डिप कहां तक वेट करूंगा, कहां तक मेरी डिप सबसे अच्छी होगी, कोई भी बताए सर? 20% तक की। अच्छा एक बार बताए, कोई मैं कोई शर्ट खरीदना चाहता हूं,
सपोज ऐसे समझते हैं, मैं कोई शर्ट खरीदना चाहता हूँ, शर्ट की कॉस्ट है 20,000, राइट है, और मेरे को शर्ट किसी रीजन से मतलब सब कुछ अच्छा है और वही शर्ट मेरे को 5,000 में मिलती है, तो अच्छा है या खराब है? सेल की वजह से किसी रीजन, बहुत ही अच्छा होगा ना। आप समझिए सेम केस, अगर मार्केट पॉजिटिव है और उस समय मार्केट आपको नीचे कहीं मिल जाए तो अच्छा है खराब है? सारे सिम्टम पॉजिटिव है और आप मार्केट नीचे डिप कर जाए तो बहुत अच्छा होगा कि राइट है? अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि मार्केट पॉजिटिव है और मार्केट यहां तक आ जाए तो बहुत अच्छा होगा कि नहीं? अब बताओ, ये मार्केट चल दिया ऊपर, देखो मार्केट को प्रिडिक्ट करना इतना मुश्किल नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है, राइट? इतना मुश्किल नहीं है, आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन इतना आसान भी नहीं है। यहां पर जरा क्लाउड को चेक कर रहे हैं, क्या क्लाउड क्लोज होने की तैयारी में है? यस। लेकिन आप समझो, अब अगर आपको एक डिप मिल जाए तो मजा आ जाए कि नहीं? हाँ या ना? यस, क्या बोलते हैं, मजा आ जाएगा डिप मिल जाएगा तो एक डिप का वेट करें। Yes. डिप आपके पास आए, अब वो डिप कहां तक आ सकती है, वो डिप कहां, कौन सा पॉइंट है जहां तक आप उस डिप का वेट कर सकते हैं? या तो ये डिप मेरे को यहां तक मिल सकती है और या फिर डिप यहां तक मिल सकती है या यहां तक। अब यहां तक आना बहुत मुश्किल काम अब है ना, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यहां तक या यहां तक तो हो सकती है। अब दोनों में से मैं किसको प्रीफर करूंगा, 1, 2 और 3? थर्ड वाला तो मुश्किल ही है बहुत। दो सर, दो, एग्जैक्ट, दो नंबर जो है मेरे को बहुत अच्छा काम करेगा। अगर दो नंबर तक मार्केट मिलेगा मैं वहां से अपनी कॉल्स को उठा लूंगा, राइट है, और अच्छी क्वालिटी उठा लूंगा। हाँ जी, लेकिन सर ये दो नंबर पर लेने पे एक नंबर, जब एक नंबर पे जाएगा तो वहां रेजिस्टेंस भी मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन मार्केट कहाँ है, मार्केट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? यस, मार्केट तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब वो जल्दी क्रॉस कर जाएगा बहुत ज्यादा। अब ये समझो, जब मार्केट पॉजिटिव होता है और ऊपर रेजिस्टेंस मिलता है तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा रुक के, एकदम से नहीं जाएगा, थोड़ा सा रुक वुक के थोड़ा नीचे आके तब क्रॉस करेगा, वही समझिए, कर जाएगा मगर वो क्रॉस। यही यही पॉजिटिव पॉइंट होता है कि अगर मैं दो नंबर पे लूंगा तो दो नंबर पे मैं क्या करूंगा, दो नंबर पे कुछ क्वांटिटी बाय कर लूंगा, जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा मैं फुल क्वांटिटी के साथ में चल दूंगा कि नहीं, ये प्रॉफिट भी बुक करूंगा और आगे का भी करूंगा, राइट? इससे कंफर्मेशन है ऊपर सर, ऊपर कंफर्मेशन हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अब रेजिस्टेंस आ गया ना, एक ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है और मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट यहां से एक रिट्रेसमेंट ले सकता है रेजिस्टेंस की वजह से, तो मैं वेट कर रहा हूं एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए, और अगर यहां तक आ जाए तो मजा आ जाए, राइट है? अगर यहाँ पर मूविंग एवरेज को समझते हैं तो देखो अब क्या कर रहा है मूविंग एवरेज। सर क्या ये जब मार्केट डाउन आने लगेगी तो हम इसे फिर रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं, रिट्रेसमेंट लेवल देखने के लिए? क्यों नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगाओ आप, मार्केट कहाँ तक आना चाहिए बताओ आप जरा, इसका रिट्रेसमेंट डाउन आना ही नहीं शुरू हुई है। नहीं, अगर आएगा तो आप इसका फिर रिट्रेसमेंट लगा के देखो कहां तक आएगा, अपने आप लगा के देख लो। अगर मैं इसका रिट्रेसमेंट देखता हूं तो कहां तक आना चाहिए, चलो देखते हैं। अब देखो शुरू हो गया मार्केट रिट्रेसमेंट में, हमें चाहिए रिट्रेसमेंट, में नीचे से अपनी कॉल्स बाय कर लूंगा कि मेरे को कुछ अच्छा मिल जाएगा, राइट? मैं यहां से लगाऊंगा, ये एक रिट्रेसमेंट हो चुका है तो मैं यहां से लगा रहा हूं, ये लगा रहा हूं, अभी रिट्रेसमेंट हालांकि हुआ नहीं है ऊपर का, पर फिर भी लगा लेते हैं। तो आपका 50% कहां पर बनता है, यहां आता है कि नहीं? जी सर। अरे, या फिर 61% यहां आ रहा है, बेस्ट रिट्रेसमेंट कौन सा है, यही वाला बेस्ट है कि नहीं है? जी सर। आना बहुत मुश्किल है, आना मुश्किल है, इसका पहला सपोर्ट ये रहा, दूसरा सपोर्ट ये रहा और तीसरा सपोर्ट, लेकिन ये सपोर्ट बहुत अच्छा काम करेगा कि नहीं अगर आ गया तो, राइट है? तो अब वेट करना है मार्केट करता क्या है। अब जरा एक चीज और समझ लें जो मैं आपको इंपॉर्टेंट समझा रहा था, वो आपके पास क्या है, तीनों मूविंग एवरेज को जरा देखो। ये जो छोटा वाला मूविंग एवरेज है, छोटा वाला मूविंग एवरेज, ये क्लाउड से बाहर निकल गया, बड़े क्लाउड से बाहर, राइट? जो बीच वाला मूविंग एवरेज है ये भी आपका बड़े क्लाउड से बाहर की तैयारी कर रहा है, मिड पोर्शन पर है, राइट?
तीसरा मूविंग एवरेज, जो बड़ा मूविंग एवरेज है, क्या वो छोटे क्लाउड के अंदर है या इसके बाहर निकल गया? बाहर सर, बाहर निकल गया। समझो मैं बोल रहा हूं कि दुनिया में इतनी सारी चीजें देखने के लिए है ना, इतनी सारी चीजें देखने के लिए है कि जब तक उसके अंदर खोगे नहीं ना, आपको मिलेगा नहीं। मैंने हजार बार बोलता हूं, आपको ऊपर खड़े हुए मोती नहीं मिलेंगे, समंदर में कूदना पड़ेगा खजाना लेने के लिए, राइट है। और जब आप किसी चीज को करते हो तो उसके अंदर खो जाओ। जब आप किसी फूल को सुनते हो, फूल फूल के पास तो जाते होंगे ना, अपने घर में फूल लगाए होंगे। हाँ या ना, किसने लगाए हैं? लगे घर में फूल किसी के? लगाते ही होंगे, गार्डन में फूल लगाते होंगे, गमले में फूल लगाते होंगे। कभी फूल फूल को ना, फूल को नाक के पास करके ना उसकी स्मेल सूंघना, और ऐसे सूंघना कि आसपास कुछ है ही नहीं, केवल फूल है और मैं हूं, राइट है। उसकी सुगंध को ऐसे सूंघना कि आप उसके अंदर खो जाओ पूरे, तो आपको बिल्कुल पूरे इंटरेक्शन आपको उसकी स्मेल के साथ होगा। आपको उसकी स्मेल का कलर भी दिखाई देगा, उसकी स्मेल को आपको सूंघ भी पाओगे और उसके अंदर खो जाओगे। तो आपको वही पार्ट में बोल रहा हूं कि जब आप मूविंग एवरेज के साथ में काम करते हो तो इसके अंदर खो जाओ, इसका एक एक पार्ट निकाल के छोड़ दो, तब आपको समझ में आएगा कि मूविंग एवरेज के साथ में काम करना होता है। खाली क्रॉसओवर इसकी जिंदगी नहीं है मूविंग एवरेज की, समझो। खाली क्रॉसओवर हो गया, दुनिया इसी पर चलती है कि क्रॉसओवर हो गया, बाय हो गया। खाली क्रॉसओवर नहीं है सब कुछ। क्रॉसओवर के बाद मार्केट, अगर क्रॉसओवर हो रहा है, हमने समझा है कि 20 का अगर क्रॉसओवर हो भी रहा है 5 का, तो 20 कहां होगा? इसमें मैटर होता है कि नहीं, राइट? कहां है? दूर है, पास? बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी, राइट है। दूसरा डिस्टेंस, मैंने आपको फेक ब्रेकआउट समझाया है, डिस्टेंस क्या मैटर करती है, राइट है। ये हो गया दूसरा पॉइंट, मतलब डिस्टेंस, यहां की डिस्टेंस क्या मैटर कर रही है, नंबर पॉइंट। ऊपर बाय साइड में डिस्टेंस क्या मैटर कर रही है, नंबर टू पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट में तीनों मूविंग एवरेज क्लाउड के किस पोर्शन पर स्टैंड कर रहे हैं, तीनों मूविंग एवरेज क्लाउड के किस पोर्शन पर स्टैंड कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं है? इस पर कोई काम नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पर थोड़ा सा काम कर लोगे तो आपको वहां से कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखो क्या कर रहा है मार्केट, रिट्रेस कर रहा है कि नहीं, आ गया रिट्रेसमेंट में, तो हमें क्या वेट करना चाहिए इस समय? यस, कहां पर चाहिए मेरे को मार्केट? यहां नहीं चाहिए, मैं यहां बाय करने के लिए रेडी नहीं हूं। मेरे को चाहिए मार्केट जरा सा नीचे आ जाए। जरा सा नीचे आने पर मार्केट 5 के मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा कि नहीं? आ जाने दीजिए, मैं तो वेट कर रहा हूं कि मार्केट 5 के मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए। क्या मार्केट क्लाउड के अंदर घुस जाएगा अगर इसके नीचे आएगा? यस, आ जाने दीजिए, राइट है। दोनों केस में तैयार हूं, ऐसा होना चाहिए। मार्केट को कहां पर आना चाहिए? अगर इसके नीचे आएगा तो यहां तक आ जाए मार्केट, यहां तक आ जाएगा, मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं अपनी कॉल्स को बाय करके छोड़ दूंगा, मेरे लिए बहुत। हालांकि आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, लेकिन आ सकता है मार्केट, भाई ऐसा नहीं आ सकता। चलिए निफ्टी 50 को भी देख लेते हैं, निफ्टी 50 क्या कर रहा है, चलिए इस पे चलते हैं। निफ्टी 50 क्या कर रहा है, क्या ये भी एक रिट्रेसमेंट ले रहा है? यस, बताएं क्या मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है निफ्टी 50? ये इसका पहला डाउन, ध्यान से चेक करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो पहला डाउन, ये मार्केट क्या इसके ऊपर गया? नहीं गया। अब अगर मार्केट इसके नीचे चलता है तो एक रिट्रेसमेंट ले लेगा, यस और नो? वो रिट्रेसमेंट क्या इसके 50% तक आ सकता है? यस, राइट है। और अगर मार्केट को बाय में जाना है तो मार्केट को इस हाई लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा निफ्टी के, तब जाके मार्केट अपने बाय में जा सकता है। तब तक मार्केट बाय में नहीं जाएगा, और इनिशियली कम से कम इसको तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, राइट है। तो अभी निफ्टी आपका बाय में नहीं है। हाँ जी सर, जैसे कल निफ्टी ने काफी मूव दिखाया है, तो आज वो अपना बेस बनाने के लिए साइडवेज भी हो सकता है, मतलब ये थ्योरी हो भी सकता है, हो भी सकता है। लेकिन अभी केस क्या हुआ, निफ्टी का जो मोमेंट है असल में कितना हुआ, देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मार्केट में कब मार्केट साइडवेज जाता है और कब रुकता है, जरा इस पॉइंट को, ये देखो बाय में है निफ्टी अभी, ऐसा नहीं कि सेल में आ गया, ठीक है। एक पॉइंट समझो,
मार्केट अगर अपने हाई के ऊपर ज्यादा मूव कर रहा है, मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि कल निफ्टी ने बहुत मूव कर दिया, निफ्टी ने कहाँ मूव किया समझो, निफ्टी ने क्या अपने हाई के ऊपर मूव किया ज्यादा, या निफ्टी ने अपने इस एन वेव जो गिरी थी उसके नीचे मूव किया ज्यादा, कहां पर मूव किया? मतलब एन वेव यस, में मूव। एन वेव में मूव किया, तो मार्केट के अगले दिन ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं? क्वेश्चन मार्क, समझे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, कि अगर मार्केट ने केवल अपना कवर किया है डाउन, उसके बाद मार्केट सपोर्ट पर आ गया, तो मार्केट कितना, आप ये सोचो, जरा समझो, मैं गड्ढे में गिर गया, ये गड्ढा था और मैं गड्ढे में गिर गया, और मैं गड्ढे से बड़ी जुगत लगा के बाहर आ गया, अब मेरे को घर जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? बड़ा वेव देखेंगे तो कल 50% का रिट्रेसमेंट लेके उठा है एकदम एग्जैक्ट। यस, तो अब आपके पास मार्केट सपोर्ट ले चुका है, मार्केट आराम से ऊपर जा सकता है अगर चाहेगा तो, राइट है, लेकिन वहां जाने के लिए इसके ऊपर चलना पड़ेगा या नहीं? डन, अगर उसके उसके ऊपर, अब देखो एक पॉइंट, देखो यहां पर एक पॉइंट समझते हैं, यहां पर एक पॉइंट समझते हैं, अगर मार्केट इसके ऊपर, अब एक नए नए पॉइंट है, अगर मार्केट इसके ऊपर 12 बजे से पहले निकल गया, अभी कितने बजे हैं? 10, अगर मार्केट 12 बजे से पहले इसके ऊपर निकल गया तो मार्केट 100-150 पॉइंट का मूव ले जाएगा, लेकिन अगर 12 बजे तक नहीं निकला उसके बाद मार्केट साइडवेज में ही फंसा रहेगा पूरे 2-2.5-3 बजे तक, राइट है, इसलिए ध्यान रखना कि मार्केट अगर सुबह सुबह अगर ये 10 मिनट के अंदर ही ओपन के ऊपर चला जाता ना, एकदम से बाय ले जाता, मार्केट को 1 घंटा हो चुका है या नहीं? 1 घंटा निकाल दिया मार्केट ने यहीं पर ही, राइट सर। अगर मार्केट यहीं पर 1 घंटा क्लोज करता है, समझो 15 मिनट रह गए, अगर मार्केट यहीं पर क्लोज करेगा तो अगली कैंडल यहां खुलेगी कि नहीं? यहां हाँ खुलेगी, सर। और यहां खुलेगी तो फिर यहां तक जाने में टाइम लग जाएगा उसको, करेक्ट। 1 घंटा और खा जाएगा, और हो सकता है अगर वो भी कैंडल नीचे क्लोज हो गई तो 1 घंटा और खाएगा, वो भी कैंडल नीचे क्लोज होगी तो 1 घंटा 3-4 घंटे खा गया यहां पर, तब मार्केट साइडवेज की तैयारी कर लेगा, राइट है, तो अभी मार्केट को इसके ऊपर चले जाना चाहिए था, मार्केट नहीं गया, अभी भी 12 बजे तक का टाइम है, अगर 12 बजे तक इसके ऊपर चला गया तो मार्केट तब भी अपना मूव ले सकता है। मार्केट का मूव कहां तक है? यस एनीवन, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो यहां तक का मूव ले सकता है कि नहीं? कितने पॉइंट का मूव है? 122, तो आपका 100 पॉइंट का मूव तो बन ही सकता है, लेकिन कब बन सकता है? कंडीशन ये है, अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तब, पॉइंट समझ गए? क्या मार्केट चला गया उसके ऊपर बताएं? पानी दे दो, उबाल के देना, ठीक है, आप बताइए जरा क्या हुआ, बाय में आ गया मार्केट या नहीं आया? नहीं आए, इसका क्या हुआ, यहां क्या हो रहा है, देखे यस, क्या देखने को मिल रहा है? अब देखो दोनों, अच्छा दोनों आपको अजीब से नहीं लग रहे, देखो ये खाली यस, बिना कपड़ों के, ठीक है, और इसे कपड़े पहनाए हुए, हाँ या ना, जी सर, यस सर, लग रहा है अच्छा सर, राइट है, जैसे बच्चे को कपड़े पहना के रख लेते हैं, जैसे बच्चे को डॉली बना के रख लेते हैं, तो ये डॉली बना के रखा हुआ है हमने, ठीक है, जैसे बच्चे नंगे घूमते रहते हैं, ये देखो हमने निफ्टी 50 को ऐसे रखा हुआ है, राइट ना, चलो वापस आते हैं, अभी मार्केट किस में है, बाय में है या सेल पे? बाय में, जल्दी से, बाय बाय में है सर, बाय में। हमने, अच्छा हमने कौन कौन से कॉल बाय कर लिए, चलो ये देखते हैं, अब चलो कुछ और काम करते हैं, 47,000 का मैंने कॉल बाय कर लिया, 47,100 कर लिया, 200 कर लिया, 500 कर लिया, 47,300 बाय नहीं किया ना मैंने अभी, राइट है, 47,300 बाय नहीं किया, तो चलो एक काम करते हैं, 47,300 को भी देख लेते हैं। अच्छा ऐसा भी कर सकते हो कि भाई हमें सबसे कम प्रॉफिट किस में हो रखा है, सबसे कम प्रॉफिट हमें 47,500 में हो रखा है, लेकिन 500 दूर हो जाएगा कि नहीं, राइट है, तो हम 47,300 का एक कॉल ले लेते हैं, बैंक निफ्टी 47P नहीं, एक मिनट, मैं 47,300 का एक कॉल ले लेता हूं, 300 का कॉल, ठीक
ठीक है, और ये ले लेते हैं फरवरी का 47,300 का कॉल। चलो इस कॉल पे हम थोड़ा सा काम करते हैं और इस कॉल को मैं लेके रख लेता हूं। मार्केट हालांकि थोड़ा सा नीचे आएगा तो मेरे को अच्छा रहेगा, पर छोड़ो ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक और कॉल लिया और ये कॉल फायदा दे रहा है या नहीं, चलो शुरू हो जाए इस पर भी। यस सर, सही चल रहा है मार्केट को, इसको हम कॉल को रखने वाले हैं। अभी रखने वाले का मतलब देखते हैं मार्केट कहां तक जाता है। अगर मार्केट इसके ऊपर गया तो मार्केट एक सपोर्ट पकड़ लेगा, फिर आराम से ऊपर चल सकता है। लेकिन मार्केट यहां से एक रिट्रेसमेंट भी ले सकता है या नहीं, और हम रिट्रेसमेंट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट ले लेगा। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ले ले मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट, जिससे अच्छा है, होना ही चाहिए। नीचे आएगा 20 के पास आएगा सर, और वहां से जाके चाहिए 5 को क्रॉस करेगा। यस, हमारे लिए अच्छा रहेगा कि नहीं बताओ। यस सर, राइट है। अगर आपके पास देखो, अगर आपकी पोजीशन राइट है तो आपको फिर डरने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना। हमने कितने लॉट बाय किया, एक ही लॉट बाय किया, 47,300 का एक ही लॉट बाय किया, जिसे ऑप्शन का वो जिसने ऑप्शन नए नए किए हैं वो समझ ले कि अगर मैंने 47,300 का एक कॉल बाय किया है 47,300 सी इफ आई बोर, तो उस केस में क्या होगा, मार्केट देखो इससे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है ना, इससे दूर जा रहा है, तो मेरी ये कम होगी, देखो प्रीमियम कम होता जाएगा। जैसे जैसे मार्केट इसकी तरफ को बढ़ता जाएगा तो मार्केट मेरे को पॉजिटिव देता जाएगा, और मार्केट अगर इसके ऊपर निकल गया तो ये आईटीएम बन जाएगा, तो बड़ा प्रॉफिट दे देगा मार्केट, राइट है। ये आपका सिंपल सा लॉजिक है। तो मार्केट को देखो, यहां पर मार्केट क्या कर रहा है, एक सपोर्ट लेवल है, और आपको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो क्या मार्केट ने अपना एक साइडवेज मार्केट डेवलप कर रखा है। यस सर, राइट है, मार्केट एक साइडवेज मार्केट डेवलप करके बैठा हुआ है। तो अब देखते हैं यहां पर मार्केट करता क्या है। ऐसा नहीं डरना होता है, डरना नहीं होता। कॉल्स में लोग बोलते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आप तरीके से कॉल को लोगे नुकसान नहीं करेगा, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट का जाना तो लाजमी है कि नहीं है बताओ, या मार्केट जहां पर लिया वहीं से मेरे को प्रॉफिट ही देगा बस, ऐसा तो नहीं है ना। मार्केट को केवल मैनेज करना, मैं हमेशा बोलता हूं जब कभी भी आप किसी भी कॉल को ले रहे हो तो मैनेज करना सीखो। मैनेज करने का मतलब क्या होता है, मैंने यहां से ले तो ली है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट मेरे को पॉजिटिव देगा, अगर नीचे आया तो मेरे को क्या करना है, वो मैनेज करना हुआ या नहीं। मेरे को कट के एसएल काट के हट जाना है, मेरे को एवरेज करना है, मेरे को उसे रखना है नहीं रखना है, ये सब चीजें मैनेज में आती है। तो मैनेज करना मेरे को आना चाहिए, राइट। कॉल को लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉल को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है कि मैनेज कैसे करते हो। मार्केट अभी बाय में है या सेल में बताए, पूरे सेटअप के हिसाब से। बाय में सर, अच्छे बाय में, बाय में बैठा हुआ है, अच्छे बाय में बैठा हुआ है, तो क्यों मैं क्यों हटू, क्यों मैं एसएल लगाऊ, क्यों मैं कट करूं, राइट है। और दूसरी बात, क्यों मैं हेज करूं, वही समझ रहे, हेज भी क्यों करूं मैं मार्केट को, अगर मार्केट सब पॉजिटिव में बैठा हुआ है तो मैं भाई नेकेड कॉल से प्रॉफिट लूंगा, मैं क्यों उसे हेज करूंगा जबरदस्ती। मतलब आपकी मर्जी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हेजिंग खराब होती है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हेजिंग में आधा प्रॉफिट खा जाता है वो या नहीं बताओ। मेरे को अगर देखो ऐसे समझो, मेरे को अगर इसमें 1200 रुपए मिल रहे हैं तो अगर मैं इसे हेज किया होता तो 600 ही रुपए मिलते या नहीं बताओ। क्यों 600 रुपए मिलते हैं, मेरे को 1200 नहीं मिलते ना उस केस में, तो मेरे को नुकसान होता कि नहीं। इस समय अगर मैं भाई प्लेन कॉल ले रहा हूं तो प्लेन कॉल में पूरे 1200 मैंने लिए, या तो पूरा चाहिए या बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमारा मेरा वो हिसाब है, या तो पूरा चाहिए या बिल्कुल भी नहीं चाहिए, राइट। या तो मैं पूरा प्लेन कॉल लेके पूरा पैसा लूंगा, और या फिर मैं नहीं लूंगा बिल्कुल भी पैसा, बीच में नहीं रहूंगा, तो मैं हेज नहीं करता। मेरे को अपनी एनालिसिस पे विश्वास है, मेरे को पता है मार्केट कहां पर जाएगा, मैं उसके हिसाब से कितनी भी बड़ी क्वांटिटी के साथ में रिस्क ले सकता हूं। अभी देखो क्या हुआ, मैं लेके छोड़ा हुआ है कि नहीं सर। बड़ी क्वांटिटी ली तो फिर हेज करना चाहिए या फिर नेकेड के साथ जाना चाहिए, देखो ये आपके एनालिसिस पर डिपेंड है, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये प्योर एनालिसिस पर डिपेंड है। मैं बोलूंगा भाई अगर आपने बड़ी बड़ी क्वांटिटी बाय की है और एसएल मत लगाओ,
आपका रिस्क एपेटाइट अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है या नहीं, राइट है? मैं बोल रहा हूं मैं 5 लाख तक का रिस्क ले सकता हूं, मुझे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हो सकता है आप ना ले सकते हो, ये हो सकता है या नहीं, है ना? तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि बड़ी क्वांटिटी के साथ में आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना, वो आपके प्योरली आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे जो बिगनर होते हैं और आप लोग काम करते हो, आपको हेज करके चलना चाहिए, आधा ही मिलेगा, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में आधा प्रॉफिट भी बहुत बड़ा होता है कि नहीं? हाँ सर, राइट है, बड़ी क्वांटिटी में आधा प्रॉफिट भी बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए हम चाहो तो उसके हेज के साथ में चल सकते हो। प्योरली आपकी मर्जी है, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करो। अगर आपकी प्रैक्टिस, एक बार बताओ, अगर मेरी प्रैक्टिस ऐसे ही अच्छी हो रखी है तो मेरे को हेज करने की जरूरत ही नहीं है, आप बताओ, तब मेरे को हेज करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर मेरी प्रैक्टिस नहीं है तो मैं हेज करके चलूंगा तो मैं सेफ रहूंगा, बस इतना सा फर्क है। तो अब हमारा मार्केट कहां तक आ सकता है बताएं, कौन सी जगह तक हम वेट करते हैं मार्केट की? यहां तक 20 तक सर, 20 तक आ जाएगा तो मैं इसको ले सकता हूं, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इसके साथ में मैं इसको भी जरा चेक करता हूं, मेरा यहां पर राइट साइड में क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, राइट है, इसको हटा देता हूं, जरा ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, क्लाउड में, क्लाउड क्या करने को तैयार हो रखा है, क्या ये क्लोज कर दिया इसने? अभी नहीं किया, किया नहीं सर, लेकिन क्लोज हो रहा, अभी किया नहीं, क्लोज की तैयारी कर रहा है, यस। अब अगर ये एक भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और मार्केट अगर यहां से मूव करता है, जरा सा भी मूव करता है, हम चाहे तो एक कॉल को बढ़ा देते हैं, राइट है, इस कॉल को मैं एक को रख लेता हूं, ठीक है, चलिए। अब क्या हुआ, यहां पर मैं एक पॉइंट देख रहा हूं कि अगर मार्केट अब अगले 5 मिनट में इसको ऊपर ले जाता है या लेके चलता है तो अच्छा होगा या नहीं? यस, बढ़िया हो जाएगा। Yes. अगर उसको ऊपर लेके चलता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर देखते हैं मार्केट अगले 5 मिनट में करता क्या है, और यहां पर अगर मैं यहां पर देखता हूं इस जगह पर, तो यहां पर क्या होना चाहिए, यस बताएं, क्या होना चाहिए, मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए या नहीं? यस सर, 5 के ऊपर ले जाना चाहिए सपोर्ट। अगर मार्केट 5 के ऊपर सपोर्ट ले जाएगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, सही है? यस सर, या नहीं? यहाँ पे ईगो की प्रॉब्लम चल रही है सर, तो नीचे ईगो वाली प्रॉब्लम, हाँ बस वही ईगो वाली कहानी है, हम लोगों के अंदर ईगो की तो दिक्कत है और क्या है, क्यों ऊपर वाले ने पेट दे रखा दिक्कत करने के लिए, तो हम पेट के लिए मारामारी करते हैं, राइट है? नहीं तो कौन खाता है, किसी आदमी को 1 करोड़ रुपए दे के जंगल में भेज दो, कुछ करेगा वो? पैसा किसी काम का नहीं है, राइट है? ईगो किस काम की है बताओ, ईगो काम की है, आप बताओ, ईगो के लिए हमारी बॉडी में, अच्छा ईगो के लिए हमारी बॉडी में कौन सा स्पेस होता है जहां पर ईगो बहुत सबसे अच्छी रहती है, अभी बताओ, ईगो की बात करते हैं तो कौन सी ऐसी अच्छा स्पेस है हमारी बॉडी में जहां पर ईगो सबसे अच्छी रहती है और उसका सबसे अच्छा प्लेस है रखने का? अब आप बताओ कहां रखनी चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, राइट है? और अगर कोई इज्जत देता है आपको, वो इज्जत देता है, तो इज्जत के लिए बॉडी में कौन सी जगह है जहां पर वो इज्जत रखनी चाहिए आपको, किसी आदमी की जगह तो होनी चाहिए ना, बस वो आपको डिसाइड करना है वो कहां होनी चाहिए। और जिस जो चीज जिसकी है, अगर आप बोलते हो जूता कितना भी अच्छा होता है सर पे नहीं रखा जाता ना, सर पे नहीं रखोगे ना, रखोगे तो पैर पे ही ना। अगर किसी को इज्जत है, किसी की आपके दिल में इज्जत है, तो वो कहीं ना कहीं तो अच्छी जगह होनी चाहिए कि नहीं, उसे तो जमीन पे नहीं रखोगे ना, क्यों? पॉइंट है। और ईगो कहां होनी चाहिए, ईगो आपके पास ये जो ये दिख रहा है, ये गर्दन, गर्दन इससे ऊपर ईगो नहीं होनी चाहिए, ईगो नीचे रख लो कहीं पर भी, लेकिन ऊपर मत ले जाना ईगो को, ये ऊपर चढ़ गई तो सारी जिंदगी खराब कर देगी, राइट है? और इज्जत अगर इससे नीचे आ गई, इस पोर्शन से नीचे अगर किसी की भी इज्जत आ गई तो आपकी जिंदगी फिर से खराब हो जाएगी, पॉइंट समझिए? तो इज्जत की अपनी जगह है और ईगो की अपनी जगह है। चलो वापस आते हैं पॉइंट पर, और यहां पर फिर से हमने देखा कि हमारा मार्केट हमें लगभग 3,700 रुपए दे चुका है, लगभग 4,000 रुपए मार्केट ने हमें दे दिए आज, ठीक है? अब यहां पर वापस आते हैं, और इस पॉइंट पर मार्केट ने क्या अपने हाई को क्रॉस कर दिया? नहीं किया। क्या मार्केट अभी ये वाला कॉल भी हमें प्रॉफिट दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है।
क्या इसे रख सकते हैं या प्रॉफिट बुक करें? आप दोबारा बताएं क्या करना चाहिए? यस एनीवन, तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए मेरे? चलो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये कर दिया, राइट है, रखना चाहिए और रखना चाहिए, रख दिया लो, ठीक है। लेकिन सही मतलब क्या काल में, काल में, काल में छोटा मोटा प्रॉफिट सर लेने का वो मतलब नहीं होगा इतना छोटा। लेकिन हमारी देखो गलती, हमारी ये गलती देखो, देखो मैंने आपके कहने पर कर भी रहा था और आपके कहने पर रोक भी दिया, रोक भी दिया, लेकिन गलत क्या है जरा गलती समझे, यहाँ पर गलत क्या है? जहां पर मेरे को इस समय अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ये देखो क्यों करना चाहिए, रीजन समझो। मैं मार्केट का कहां पर वेट कर रहा हूं? मैं मार्केट का यहां पर वेट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं ना, नीचे वेट कि एक रिट्रेसमेंट कर ले मार्केट। मैं यहां वेट कर रहा हूं मार्केट का और मैं यहां रख के बैठा हूं मार्केट को। मेरे को जब आपने सारे अपने प्रॉफिट बुक कर लिए हैं तो अब मार्केट में आपको एग्रेसिव नहीं होना है। अब मार्केट में आपको एक पर्टिकुलर पोजिशन चाहिए जहां पर से ही आप बाय करोगे, पॉइंट समझे, जबरदस्ती नहीं चाहिए। जा रहा ऊपर जाने दो मार्केट को, कितना अच्छा प्रॉफिट दे दे, मार्केट जब रिट्रेस करेगा मैं तभी बाय करूंगा, राइट है। इसका मतलब अगर मैं इस कॉल की बात कर रहा हूं, इस कॉल की बात कर रहा हूं, तो ये कॉल मेरे को जब यहां पर आएगी तब मेरे को प्रॉफिट देगी। कौन से कॉल की हम बात कर रहे थे? अच्छा देखो एक चीज और, एक चीज और, मैं यहां पर मैं कॉल लगाता हूं, मैं लगा के दिखा रहा हूं, देखो एक कॉल आपको मेरे को चाहिए, यहां पर से बाय ना करके मैं चाहता हूं जब मार्केट यहां पर आएगा तो मेरे को बाय दे, यही चाह रहा हूं मैं, राइट है। ये कौन सी वैल्यू है जरा इसको चेक करें, 46,855। इसका एटीएम क्या बनेगा वहां पर, कोई भी बताए इसका एटीएम क्या बनेगा वहां? यस अराउंड 45,900, राइट है, यही बनेगा 46,900, राइट है, या फिर मैं 46,800 की बात कर रहा हूं, राइट है। चलो मैं 46,800 को लेता हूं या 900 ले लेते। अब मैं यहां पर 46,900 का एक कॉल लगा रहा हूं, 46,900 का एक कॉल, राइट है। और कौन सा लगा रहा हूं? बैंक निफ्टी फरवरी का लगा रहा हूं, 46,900 का कॉल, और ये मैंने लगा दिया एक कॉल, राइट है। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, आपकी बाय आपको कॉल पे वहीं पर मिल रही है। मेरा बाय कहां लगना चाहिए, कोई भी बताए, मेरा बाय यहां पर लगना चाहिए या नहीं? यस और नो, इसी जगह पर लग गया बाय, पॉइंट क्लियर। दूसरा बाय कहां लगना चाहिए? दूसरा बाय, अगर मैं दूसरा बाय लगाऊंगा तो मेरा दूसरा बाय लगना चाहिए यहां पर नीचे, जे राय और एक बाय, दोनों बाय में लगा के छोड़ दिए। अब अगर मार्केट आएगा, मार्केट ने मेरे को पैसे दे दिए हैं, मार्केट ने मेरे को लगभग 3,600 रुपए दे दिए हैं, अब चार पांच कितने ट्रेड, पांच हो गए, एक दो तीन चार पांच, पांच ट्रेड हमारे हो चुके, पांच के पांच पॉजिटिव है, इसमें खुश रहना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, जो मिले सोनिया, राइट ना, क्यों ना प्रीत जी। चलो अब शुरू करते हैं। अब ये मार्केट, मार्केट को समझना चाहिए, बस मार्केट को समझ के काम करोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं समझोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। देखो मैंने अपनी कॉल की पोजीशन लगा दी है, अगर आ जाएगा मार्केट मेरे को दे देगा, नहीं आएगा ऊपर जाता है तो मार्केट ने पैसे दे रखे हैं, ठीक है, तो इसमें जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी। डन, चलिए मैं क्लास को रोकता हूं, हो गए कितने, 10:15 हो गए। अब देखो अगले घंटे की कैंडल, चलो इसको एक मिनट, निफ्टी बैंक को एक बार देख लो और किसमें देख लो, बड़े टाइम फ्रेम में एक घंटे में निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। अगर मैं इसको एक घंटे में लगा रहा हूं तो मार्केट कहां पर है, जरा देखें मार्केट कहां पर ट्रेड कर रहा है। यस, ये पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। यहां पर क्या हुआ, जो समझने वाले हैं वो समझ गए कि यहां पर क्या हुआ, उनके काम का क्या हुआ था यहां पर एक घंटे में, और अब एक घंटे में क्या हो रहा है, आ गया समझ में बहुत आराम से। और यहां पर एक घंटे में क्या हो रहा है ये भी आपको दिख रहा है, सब दिख गया यहां पर, जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे यहां पर क्या क्या हो रहा है, राइट, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी तरह मजे से समझ में आ गया। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया,
ठीक है ना। तो आप देखो मार्केट सपोर्ट पे आके बैठ गया, भागेगा आराम से ऊपर, तो ये टारगेट हो सकता है या नहीं, एक टारगेट दूसरा टारगेट मिल गए दो, राइट है, दोनों टारगेट आपको देखने को मिल गए और मार्केट आपका बाय में है सर। अगर मैं यहाँ से एक दिन में देखता हूँ, दिन में, अब दिन में समझने वाले समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर दिन में फाइव का मूविंग एवरेज किसके पास था, 50 के या 20 के? 50 के पास सर। मार्केट गिर सकता था नीचे? नहीं नहीं सर, नहीं गिर सकता था। आप देखो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट हो सकता है अभी भी साइडवेज हो जाए, अभी भी यहाँ कहीं साइडवेज हो जाए, दूर है कि नहीं अभी? यस सर, बाय का कंफर्मेशन है सर, जब ऊपर जाके अभी आपके पास, हाँ तो आपके पास अभी थोड़ा टाइम और ले सकता है, हो सकता है यहाँ तक जाके अराउंड 300 के 300 साढ़े 300 जाके मार्केट फिर से एक साइडवेज में कन्वर्ट हो जाए, पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर। तो अभी यहाँ तक का बाय लेना, इसके ऊपर का बाय मत लेना अभी, क्योंकि मार्केट यहाँ पर भी क्या कर रहा है अभी, यहाँ पर भी बाय नहीं बनाया ना मार्केट ने भी, नहीं सर। तो अभी थोड़ा सा हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए और यहाँ तक जाके साइडवेज में कन्वर्ट हो जाए, फिर से नीचे आ जाए, तो ये क्योंकि अभी नीचे है तो अभी टाइम है मार्केट के पास में, तो एकदम से अपनी सेलिंग नहीं करना, सेलिंग तो बिल्कुल ही नहीं करना अभी, सेलिंग तो करने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, पर एकदम से बाय में बहुत लंबा मत जाना, छोड़ देना, ठीक है। चलो मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।